हेलो गाइस, ये वाली वीडियो हम बना रहे हैं चॉइस फिलिंग के ऊपर कि किस कॉलेज को आपको कौन सी प्रायोरिटी देनी है या फिर उस कॉलेज में किसी पर्टिकुलर ब्रांच को कौन सी प्रायोरिटी देनी है और ब्रांच वाइज प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, क्योंकि दो चीज़ें होती हैं। वो चलो अभी आगे वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, जो UPTSC जो काउंसलिंग है उसकी जो चॉइस फिलिंग की डेट है एग्जीक्यूटिव कॉलेजेस के लिए, वो 10 से 13 अगस्त के बीच में। अब ब्रांचेस को किस सिक्वेंस में बनना चाहिए हमें चॉइस फिलिंग में और किस कॉलेज में बनना चाहिए, तो इसके लिए दो ऑप्शन होते हैं। मतलब ब्रांच की अगर हम बात करें कि कौन सी ब्रांच सबसे ऊपर हाई प्रायोरिटी देनी है और कौन सी ब्रांच हम सबसे नीचे रखने वाले हैं, इसमें दो चॉइस होती हैं। एक तो ये है, आप प्लेसमेंट फोकस्ड स्टूडेंट हो, मतलब आपको प्लेसमेंट चाहिए, अच्छी खासी पैसे कमाने हैं, तो एक ये होता है। एक दूसरा होता है इंटरेस्ट की तरफ, अगर आप जाओ अपनी मनपसंद अगर कोई ब्रांच लेना चाहो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, तो यही अब हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं प्लेसमेंट की, मतलब कि अगर आप प्लेसमेंट फोकस्ड हो तो उसमें ब्रांचेस की क्या सिक्वेंस होनी चाहिए। अब देखो, कोर ब्रांचेस जितनी भी होती हैं उनमें प्लेसमेंट नाम मात्र का होता है, मतलब बिल्कुल ही बहुत ही कम, मानो आप ऐसे मान सकते हो कि 20,000 रुपये पर एनम, मतलब ये तो मजाक कर रहा हूँ खैर मैं, लेकिन मतलब समझ जाओ मेरे इस मजाक से कि प्लेसमेंट कोर ब्रांचेस में बिल्कुल ही ख़त्म है, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, आपको कोडिंग करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन कोर ब्रांचेस में कोडिंग करके प्लेसमेंट है, ये मैं नहीं बोल रहा। अगर आप टोटली कोर सब्जेक्ट्स पर डिपेंड हो तो प्लेसमेंट बहुत कम है। तो अगर आप कोडिंग करोगे, सीधी सी बात है, तो उस वे में मैं आपको सिक्वेंस बता रहा हूँ ब्रांचेस की, क्या आप फिल कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको CSE बननी है, कंप्यूटर साइंस। दूसरे पर बननी है आपको CSE से रिलेटेड जितनी भी ब्रांच होती हैं, जैसे CSE सेल्फ फाइनेंस, CSE AI, और कॉलेजेस में और अलग अलग हो सकती हैं। इसके बाद अगर किसी कॉलेज में IT है, वैसे IET, अपने जो IET कॉलेज है उसमें IT ब्रांच नहीं है, उसकी जगह ही सेल्फ फाइनेंस और AI है। तो तीसरे नंबर पर आप IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये ब्रांच बढ़ सकते हो। चौथे पर बढ़ सकते हो आप EC ब्रांच, क्योंकि इसमें भी मतलब CSE के बाद यही वाली ब्रांच मानी जाती है अगर आप कोडिंग करना चाहते हो तो। इसके बाद ऑप्शन बचता है केमिकल और जितने भी कोर ब्रांचेस बती हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। तो इसके बाद मतलब EC के बाद आप बढ़ सकते हो केमिकल, क्योंकि केमिकल वाले बच्चे ज़्यादा कोडिंग करते हैं, तो उस वे में उनको मतलब जो पैकेज है या फिर जो प्लेसमेंट है उसमें चांस बढ़ जाते हैं उनके। अब केमिकल के बाद सबसे लास्ट में रखोगे आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, मतलब इनमें से आपका जो भी थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड हो तो तीनों में से वो रख सकते हो, मतलब इन तीनों में भी सिक्वेंस बता रहा हूँ मैं, नहीं तो उन तीनों। अब देखो, ये तीनों लास्ट में मैंने क्यों रखवाई हैं, अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट, क्योंकि देखो जो ये ब्रांचे हैं उनमें सिलेबस जो होता है वो बहुत होता है, कोर का जो सब्जेक्ट है वो बहुत सिलेबस होता है। तो ये ब्रांच अगर आप लोगे तो जो एक्स्ट्रा कोडिंग के लिए टाइम है वो बहुत कम मिलेगा आपको, इसलिए ये मैंने प्लेसमेंट के हिसाब से सबसे लास्ट में रखवाई है ब्रांच, ठीक है। तो बाकी मैं जितना बता रहा हूँ उतना आप, मैं एज ए सजेस्ट कर सकता हूँ आपको, मतलब इच्छा तो आपकी है कि क्या बनना चाहोगे। अब ये हो गया प्लेसमेंट वाइज कौन सी ब्रांच आप सिक्वेंस में लगा सकते हो। अब देखते हैं इंटरेस्ट, काफ़ी ज़्यादा लोगों को डाउट होता है कि हम कौन सी ब्रांच चले, तो CSE वो तो अलग है, खैर ये प्लेसमेंट तो हटाई दो। अब इंटरेस्ट की तरफ आते हैं, अब देखते हैं कि लोगों को ये नहीं पता चलता, हम जस्ट 12th करके आए, हमको क्या पता कि मैकेनिकल में क्या होता है, सिविल में क्या होता है, मतलब क्या पढ़ने को मिलता है। तो उसमें मैं बता रहा हूँ आपको, एक हिंट टाइप दे दे रहा हूँ। जैसे देखो, 12th में अगर आपको फ्लूइड मैकेनिक्स जो चैप्टर था वो पसंद है या फिर थर्मोडायनेमिक्स ये वगैरह पसंद है तो आप मैकेनिकल ले सकते हो, क्योंकि इनमें यही सब पढ़ने को मिलता है आपको। थर्मोडायनेमिक्स हो गई, हीट ट्रांसफर हो गया, और इंडस्ट्रियल वो तो खैर बाद की बात है। तो मतलब बेसिकली इन ब्रांचेस अगर आपको इंटरेस्ट के मैकेनिकल में देखना है तो वो इस टॉपिक की मदद से देख सकते हो। इसके बाद देखते हैं फिर सिविल ब्रांच। सिविल में अगर देखो, सोम आपको पसंद है, फ्लूइड आपको पसंद है, और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, ये मतलब एक एक टॉपिक देख लो आप उनके हिसाब से। आप अपना अगर इंटरेस्ट नहीं देख पा रहे हो मैं कौन सा चुनूँ, तो तब मैं ये ऑप्शन बता रहा हूँ आपको। केमिकल में वही मिलेगा आपको, केमिकल रिएक्टर, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, ये सब मिलेंगे पढ़ने को चैप्टर। और इसके बाद इलेक्ट्रिकल देख लेते हैं, नाम से पता चला इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ये सब ऐसे चैप्टर देखने को मिलेंगे। ECE ब्रांच, नेटवर्क, सिग्नल एंड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कम्युनिकेशन, ये सब आपको मिलेगा, ये सब चैप्टर वगैरह। मतलब इन चैप्टर के बेसिस पर आप सोच सकते हो कि अरे मेरा तो ये वाला चैप्टर अच्छा था, या फिर मुझे करंट इलेक्ट्रिसिटी 12th में अच्छा लगता था तो मैं इलेक्ट्रिकल में अच्छा कर पाऊंगा, ऐसे करके आप अपना एक इंटरेस्ट देख सकते हो। अब देखो, मैंने कोर ब्रांचेस का थोड़ा मतलब ज़्यादा ही पलड़ा नीचे कर दिया, तो उसमें कुछ बता दूँ मैं कि उसमें मतलब प्लेसमेंट जब कम है तो फिर क्या मतलब लेके क्या करें, फिर क्या फ़ायदा उसका। तो उसमें मैं बता दूँ, देखो एक तो आपके पास होता है जो कोर ब्रांचेस वाले होते हैं उनके पास होता है एक ऑप्शन गेट का होता है, कैट का होता है। इनके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि SSC JEE हो गया आपका, SSC CGL वगैरह, वो तो खैर नॉन टेक चला गया, मतलब ये सब और कई ऐसे एग्जाम्स हैं
और आप वो DRDO हो गया, बार्क हो गया, मतलब ये सब बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिनमें आप मतलब अप्लाई कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, उनमें सेलेक्ट हो सकते हो और उसके बेसिस पर डायरेक्ट इंजीनियर बन सकते हो, वो भी गवर्नमेंट, और वहाँ से भी अच्छी खासी अर्निंग होती है। बस अंतर ये पड़ जाता है तो प्लेसमेंट जो होता है वो कॉलेज में थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में ही आपको हो जाएगा, लेकिन आपका अगर जो भी एग्जाम्स है वो नहीं निकला तो उसके लिए आपको 1 साल 2 साल ये यही है बस। फिर